जमी किल मासलाम ने अपने 15 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। इस्तीफे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक जेओआई ने असम्बलियों से मुस्तफी होने के ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया है। जराया का कहना है कि पार्टी ने 15 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे मांग लिए हैं जो बवक्त जरूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जराया का कहना है कि जेओआई के मुतअद्दिद अरकान मौलाना फजील अर रहमान की रहाइश गाह पर मौजूद हैं और आइंदा के लाहा अमल से मुतालिफ मुशावरती अजलास हुआ। पार्टी रहनुमा ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है जिसमें सरफहरिस्त असम्बलियों से मुस्तफी होना है और उस हवाले से तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जेओआई के मजलिस शौरा के इजलास में तमाम तर फैसलों का अख्तियार पार्टी के अमीर मौलाना फजील अर रहमान को दे दिया गया था। जराया का कहना है कि शौरा अराकीन ने मुशौरा दिया कि अहतिजाज को तहरीक में बदलने के लिए अपोजिशन को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। हुकूमत पर दुबा बढ़ाने के लिए मोसर हिकमत इल्मा अपनाई जाए जबकि अजतमाई इस्ताफों का मामला भी अपोजिशन जमातों के साथ जरबस लाया जाएगा। दूसरी जानिब जमीत इल्माए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजील अर रहमान की जेर सदारत आज़ादी मार्च की हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। मौलाना फजील अर रहमान की रहाइश गाह पर जारी है। पीसी में 9 अपोजिशन जमातें शरीक हैं, ताहम 5 सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी एनपी, नेशनल पार्टी और जमीत अहल हदीस की क़यादत शरीक नहीं है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमा में जमीत इल्माए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल्गफूर हैदरी, नेशनल पार्टी के सेनेटर मीर कबीर अहमद शाही, रहबर कमेटी के रुकन शफीक पसरूरी, अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन शामिल हैं। एपीसी में राजा परवेज अशरफ, नेर बुखारी और फरहत अल्लाह बाबर पर मुश्तमिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद भी शरीक है, ताहम चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं है। मौलाना फजील अर रहमान की रहाइश गाह पर जारी एपीसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, ताहम पार्टी रहनुमा अयाज सादिक और डॉक्टर इबादुल्ला शरीक हैं। अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़ादी मार्च पर मुशावरत मतालिबात की मंजूरी और अपोजिशन जमातों के मौक़िफ पर फैसला किन लाहा अमल पर गौर होगा। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून अपने पार्टी अजलास में तय होने वालों फैसलों से मौलाना फजील अर रहमान को आगाह भी करेगी। कबल अज़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जमीत इल्माए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजील अर रहमान की ज़ेर क़यादत आज़ादी मार्च से मुतालिक अपनी जमात की आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत का अजलास तलब किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमा के अजलास में मौलाना फजील अर रहमान के मतालिबात की भरपूर हमायत का फैसला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसिन इकबाल ने अजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग अपने कायद नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में आज़ादी मार्च की भरपूर सियासी हमायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज के अजलास में मुकम्मल उत्तफाक राय पाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मुतायिन करदा रहनुमा असूलों के मुताबिक अपना किरदार अदा करती रहेगी। एहसिन इकबाल ने कहा, हमारी जमात अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर रहबर कमेटी के जरिए और एपीसी के फैसलों की रोशनी में मुश्तरका अपोजिशन हिकमत अमली के जरिए में नए इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए और इमरान खान से इस्तीफा लेने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की क़यादत ने मुतफ़िका तौर पर महसूस किया कि पाकिस्तान का अक्तसादी और मुआशी बहरान मुल्क की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। एहसिन इकबाल ने कहा कि 14 माह में मुल्क को जिस अंदाज में उस
अनाड़ी हुकूमत ने चलाया है हमारी मायश्त के तसलसिल को खराब कर दिया है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। एक साल में मुल्क 3.5% मुआशी गिरावट का निशाना बनी हो। मुस्लिम लीग नून के रहनमा का कहना था कि आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण बन चुकी है, रोजगार के दरवाजे बंद चुके हैं, रोजाना कारखाने बंद हो रहे हैं, रेडी वाले से अरबपति तक मायश्त को चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ पार्लियामेंट को ताले लग चुके हैं और ऐवान सदर आर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया है। तमाम चौर दरवाजों से कानून साजी की जा रही है जिससे पार्लियामेंट बेतवकीर हो गया है। एहसीन इकबाल ने कहा क्या हतसाब, अदालत जजों की तकरियां की जा रही है। व्हाट्सएप से जजों को लगाया और हटाया जाता है। उसने लोगों की नजर में निजाम इद्दल पर सवालात अट्ठा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनमा ने कहा कि मीडिया की जुबान बंदी की गई है, आजादी राय के आईनी हक को सलब किया जा चुका है और कायद आजम के जमहूरी पाकिस्तान को इमरान खान के फासिस्ट पाकिस्तान में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। एहसीन इकबाल ने कहा कि सिफारतकारी तन्हाई में जा रही है। कश्मीर पर सिफारती कारकर्दगी बाउस शर्मिंदगी है कि हुकूमत 16 वोट हासिल न कर सकी। इस्लामी दुनिया की वाहिद एकमी ताकत तो आईसी का अजलास तक नहीं बुला सकी। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को रियासत को फंक्शनल करने के लिए जायजा लेना चाहिए। पाकिस्तान को रीसीट की जरूरत है। कोई शख्स अपनी गाड़ी पर ऐसे ड्राइवर को नहीं बैठाता जो रोज एक्सीडेंट करे। एहसीन इकबाल ने कहा कि आजादी मार्च के लिए हम इमरान खान को कसूरवार समझते हैं। पाकिस्तान सियासत में इमरान खान ने जत्थों के साथ इस्ताफों के मतालिबों की बुनियाद डाली, लेकिन अब तक आजादी मार्च के प्लेटफार्म से किसी ने आम आदमी की दस्तर से बाहर होने के बावजूद बिजली के बलों को आग नहीं लगाई और कौम को ये दिदवत नहीं दी कि तुम बिजली के बिल अदा न करो। उन्होंने कहा कि किसी ने आजादी मार्च से ये नहीं कहा कि आपने जर मुबादला। उन्होंने कहा कि किसी ने आजादी मार्च से ये नहीं कहा कि आपने जर मुबादला नहीं भेजना। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उन लोगों को फांसी के फंदे पर ले जाऊंगा। किसी ने मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को ये नहीं कहा कि वो बगावत कर दी। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जिन्होंने कल तक मुल्क में इंतशार फैलाने की बातें की थी उन्हें उस जुबान में जवाब नहीं मिल रहा। चूंकि अपोजिशन जमातें जिम्मेदार हैं, हम जमहूरी कुवतें हैं, हम तारीख को, आवाम को और अपने जमीर को जवाब दे हैं। एहसीन इकबाल ने कहा कि आज के अजलास की तजावीज को रहबर कमेटी के अजलास में पेश करेंगे ताकि मुशरका फैसला किया जा सके। हमारा फैसला है कि हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एपीसी में शहबाज शरीफ ने शिरकत करनी थी लेकिन हमारी जमात के मुशावरती अजलास की वजह से नहीं शरीक हो सके। एहसीन इकबाल ने कहा कि पार्टी अजलास की तजावीज को रहबर कमेटी में पेश करें, कोशिश कर सकें कि उस हुकूमत को रफ्सत करके आजादाना इंतखाबात के लिए राह हमवार करने। अपनी जमहूरी जिद्दोजहद को फैसला किन अंदाज में आगे बढ़ास की। अजलास से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पहले नवाज शरीफ के खत की रोशनी में आजादी मार्च का इस्तकबाल किया और जलसे में शिरकत की। उन्होंने कहा था कि अब आज के अजलास में धरने की आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक फैसला करेंगे और अब हमने देखना है कि आजाद शिफाफ इंतखाबात तक कैसे जाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनमा मोहम्मद जबीर ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून पहले ही कह चुकी है आजादी मार्च में जाएंगे, धरने में नहीं। मोहम्मद जबीर ने कहा था कि हम दागो हैं कि हुकूमत और मौलाना फजील अर रहमान के दरमियान मामला तहसीन तरीके से तय पा जाए। तशदीद और बहर यकीनी की सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए।